अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूँ रबनास। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में बात स्मोक की, तो स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को इफ्तारी से सहरी तक खोलने की इजाज़त दे दी है। स्कूल्स में तलबा को माहौलियात से मुताबिक हफ्ते में एक रोज़ प्रैक्टिकल करवाने की हिदायत है। आइंदा समाअत पर तदरीसी निसाब से मुताबिक रिपोर्ट भी मांग ली गई है। और वहीं जज शाहिद करीम ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, समाअत के हवाले बताइए। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट को रमजान के महीने में इफ्तारी से लेकर सहरी तक खोलने की इजाजत दे दी है। अदालत ने माहौलियात से मुतल्लिक स्कूलों के बच्चों को हफ्ते में एक रोज प्रैक्टिकल करवाने की भी हदायत दे दी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की, तो अदालत ने LWMC से स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के साथ कम्युनिटी सर्विस की सफाई की मुहिम का खत्मी प्लान भी तलब कर दिया। तहरीरी हुक्म में ये कहा गया कि सरकारी वकील की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम पैर दिलाने वाले यूनिट्स की बिजली के कनेक्शन मुनकता कर दिए गए हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले यूनिट की तमाम स्टाफ को बिजली के कनेक्शन मुनकता करने की हदायत भी जारी की गई है। तहरीरी हुक्म में ये भी कहा गया है कि स्मोक के तदारुक के लिए तमाम तर वसाइल को बरए कार लाया जा रहा है और इस हवाले से जो पंजाब के तमाम महकमे हैं वो मुतलका जो कमीशन है उसके साथ मुकम्मल तौर पर तआवुन करें। आपका बहुत शुक्रिया अशफाक।